नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से सीएम योगी उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ठीकरा योगी पर ही फोड़ा गया था, इसलिए इस बार उपचुनाव में सीएम योगी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। वहीं इस बार योगी को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी पहली बार अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, फिर सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। उसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई, पहले विधायकों संग बातचीत की, फिर अयोध्या के बीजेपी नेताओं संग करीब घंटे भर तक बैठक की। इस मीटिंग का एजेंडा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। बीजेपी की जीत दिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। वहीं यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में योगी का सपा से सीधा मुकाबला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में तय किया गया है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव के जीत की इबारत लिखेंगे। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव का मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों ही सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते और सांसद बन गए। फैजाबाद में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट जीत कर बीजेपी हिसाब बराबर करना चाहती है। अयोध्या में एक और हार बीजेपी को अब मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, इसलिए सुपर 30 की बैठक के अगले ही दिन वे अयोध्या पहुंच गए। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। जी हां, कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में तो फिलहाल नहीं है। जाहिर है सपा और बसपा के लिए कटहरी और मिल्कीपुर सीटें सियासी तौर पर काफी मुनीद मानी जाती हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाने वाली दोनों सीटों का जिम्मा सीएम योगी को मिला है। मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर बीजेपी को जिताने का ताना बाना सीएम योगी खुद बुनेंगे। इसके अलावा इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज भी है। वहीं जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सीएम योगी कैसे बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।